एचसीएल ने पैराडॉक्स ने उनका फिनिश पॉइंट चुरा लिया। यहाँ पर मवी उन्हें छोड़ने नहीं वाले हैं। मिनी का अच्छा डैमेज देने की कोशिश। आईवरी जोन के बाहर है, रेड आउट के पास एक अच्छा स्पेस है। क्या लेकर जा रहा है ये जोन, कहाँ खिलाना चाह रहा है ये जोन, क्या इस मैच का रिजल्ट। दो खिलाड़ी दे दिया वहां पर, रेवरेंट की टीम बैकफुट पे दिख रही है। स्मोक यहाँ पर किया जाएगा, ग्रेनेड यहाँ पर करने की बारी। अच्छा आई थिंक यस, गाड़ी लेके काउंटर बनाया गया था, ऑफ गार्ड एंगल से गाड़ी लेकर आगे जाते हैं। स्मोक यहाँ पर कर चुके हैं, डाउन कर दिया और सिरेज को एक ही खिलाड़ी बचाए। टीम सोल के पास मौका, ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। सिग्मा रख रही है यहाँ पर, टीम सोल और टीम रेवरेंट की फाइट होती नजर आए, बाद में थर्ड पार्टी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फाइनल टीम अब कुछ बचते हुए ड्राइवर अगर बात करें तो उन्होंने यहाँ पर रेवरेंट को भी फिनिश ऑफ कर दिया है। मवी सुप्रीमेसी यहाँ पर, मिनी तो मिनी बैक टू बैक ग्रेनेड्स, द मैन विद द गोल्डन हैंड, आज फिनिश पॉइंट टीम सोल कीजिए। इट्स मवी वर्सेस मवी एंड अभी गोस ऑन। 3v3 की फाइट यहाँ पर हो चुकी है, वहां से किसी को नॉक नहीं होना। ये सर नाम है तो कंट्रोलिंग उनको आती है और ये पूरा गेम कंट्रोल अपने नाम करते हुए 9 में से 7 फिनिश इनके नाम है। लेकिन मॉर्टल को वहां नॉकआउट हो जाना चाहे खतरे से खाली नहीं है। वीरू के पास एक मौका था लेकिन जाते जाते वीरू को भी नॉकआउट कर चुके हैं। अब सिचुएशन यही देखना चाहेंगे कि एनिग्मा के कितने खिलाड़ी यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अकेले खिलाड़ी यहाँ पर मार रहे हैं। स्कॉर्पियो स्टेलमेट सिचुएशन फॉर एनिग्मा हु लास्ट मैन स्टैंडिंग। जय वीरू यहाँ पर बचे नहीं है, बट यहाँ पर बचे हैं मॉर्टल और मवी। एम12 यहाँ पर एनिग्मा भी गोज डाउन। इट्स टीम सोल गेटिंग डाउन।